XUV 300 के बेस मॉडल के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम नहीं लग के आता, इसमें हमने लगा दिया है। एक बहुत खास चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बहुत यूटिलिटी की चीज है, वो है कार ट्रैकिंग डिवाइस। हमने फ्रंट एंड रियर डिफ्यूजर पे लगाया, वेलकम कंपनी का, आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी। हाय दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का वीडियो है वो है XUV 300 के बारे में। ये है बेस वेरिएंट W4, इसमें हमने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की है। एक एक करके मैं आपको इसमें प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो हमने लगाए हैं। अगर बाहर से बात करता हूँ मैं साइड प्रोफाइल की, तो पहली आइटम मैं दिखाऊंगा आपको डोर वाइजर जो हमने लगाया है। इसमें लिखा हुआ है XUV 300 और इसमें क्रोम लाइनिंग है, ये है गैलियो ब्रांड का। साथ में इसमें हमने लगाई है लोअर गार्निश सेट ऑफ 4 पीस, ये देख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी लुक को एनहेंस कर देती है, देखने में अच्छी लगती है, थोड़ा आपको हाई मॉडल प्रीमियम मॉडल की लुक देती है। ऐसे इसमें हमने हैंडल क्रोम भी लगाया है। जितना भी क्रोम लगाया है इस गाड़ी में, वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वालिटी का क्रोम लगाया गया है, तो अच्छा क्रोम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला और गाड़ी अच्छी लग रही है। ये भी 4 पीस का सेट होता है चारों हैंडल के लिए। नीचे चलेंगे तो हमने साइड बीडिंग लगाई है, ये भी चारों डोर पर लगती है, दिखने में ये भी अच्छी लगती है। तो ऐसे आप हमारा साइड प्रोफाइल देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। अगर मैं आगे की तरफ जाऊं तो इसमें हमने ग्रिल लगाई है बीच में, इसे कहते हैं आउटर क्रोम ग्रिल। ये ब्लैक वाली ग्रिल लग के आती है और आउटर में लग गई है। इस मॉडल में फॉगलाइट लग के नहीं आती है, इसमें हमने फॉगलाइट भी लगाई है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली फिट की गई है, अच्छी लग रही है दिखने में। इसमें और भी मॉडल अवेलेबल है, इसमें इसकी DRL भी मिल जाती है, यहाँ पे भी DRL मिल जाती है, बट वो कस्टमर के बजट पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या लगाना चाहते हो, क्या क्या नहीं लगाना चाहते। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो पहले मैं आपको स्पीकर दिखाऊंगा। कॉम्पोनेंट जो हमने लगाया है वो पावर बास का है, काफ़ी अच्छा कॉम्पोनेंट है, इकोनॉमिकल रेंज के अंदर है और बहुत अच्छी आउटपुट है इसके अंदर, ये हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं आपको। ये हमने लगाया फ्रंट में और रियर में हमने लगाया कोएक्सियल, ये भी पावर बास का ही है। साथ में जो इसमें हमने डैम्पिंग लगाई है वो है रॉकस्टार की रेड सीरीज डैम्पिंग है, बी वोकल फोर लोकल, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये हाई टेम्परेचर पर लीक नहीं करेगी, स्मेल नहीं करेगी, इसकी आपको लाइफ टाइम गारंटी मिलेगी और काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज के अंदर है, ये आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। इसमें हमने स्कॉपलेट भी लगाई है, देख सकते हैं लिखी हुई XUV 300। ये भी 4 पीस का सेट आता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर है, रस्टिंग नहीं आएगी आपकी गाड़ी के अंदर। ये फ्रंट का आप देख सकते हैं बड़ा पीस होता है और रियर का ये छोटा पीस है, ऐसे ही बाकी दो दरवाजों के नीचे भी लगी हुई है। इसमें हमने फ्लोरिंग भी लगाई है, आप देख सकते हैं फिट एंड फिनिश कितनी परफेक्ट है, प्रॉपर गाड़ी के हिसाब से आती है। ये फ्लोरिंग का ये बेनिफिट रहता है कि आपका जो नीचे कारपेट एरिया वो प्रॉपर कवर हो जाता है, अगर इस पर पानी गिरेगा या कुछ भी गिरेगा इसके ऊपर ही रहेगा। और ये वाला मटेरियल जो है वो इजी टू मेंटेन है, इजी टू क्लीन है, इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी गाड़ी में फ्लोरिंग करा सकते हो। एक बहुत खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बहुत यूटिलिटी की चीज़ है, वो है कार ट्रैकिंग डिवाइस। आजकल आप जानते हैं गाड़ी कितनी चोरी होती है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। या कई बार हम अपनी गाड़ी किसी को दे देते हैं चलाने के लिए, या कोई हमसे मांग के ले जाता है, तो इससे आप अपनी गाड़ी देख सकते हैं कहाँ चल रही है, किस स्पीड पे चल रही है, गाड़ी के इग्निशन भी कट कर सकते हैं। तो ये जो है मैप माई इंडिया का डिवाइस है मूव गैजेट के नाम से। मैप माई इंडिया आप जानते ही हैं बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छी कंपनी है, इनका अपना सर्वर है, इंडियन सर्वर है, कोई चाइनीज सर्वर नहीं है। क्वालिटी वाइज अच्छी ट्रैकिंग सिस्टम बनाते हैं, सर्विस भी इनकी अच्छी है और ये हमने भैया की गाड़ी में लगाया है। इस ट्रैकर का जो फीचर है आपका लाइव ट्रैकिंग है, गाड़ी का इग्निशन कट कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड ट्रैक कर सकते हैं और भी छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स हैं। इस वाले मॉडल में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड मिलती है, सेकंड ईयर से आपका 1500 से 2000 का एनुअल चार्ज होता है। इसकी ऐप आती है, iOS की भी आती है, एंड्रॉयड की भी आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं, ये इनकी ऐप है और ये अभी एड्रेस भी लिखा रहा है यहाँ पे आपका 10172 अब्दुल अजीज रोड, जो मेरी शॉप का एड्रेस है, तो प्रॉपर ट्रैक कर रही है ये और बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं सेफ्टी वाइज। अगर मैं एंड्रॉइड की तरफ चलता हूँ तो एंड्रॉइड इसमें हमने लगाया मैका सोनिक का, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, ओरिजिनल 2 GB रैम है, कहने वाला नहीं है, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है और प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है, तो इसलिए मैं ये ब्रांड आपको रिकमेंड करता हूँ। वीडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, टॉप एंड की तरह है बिल्कुल, टच वगैरह हर चीज़ अच्छी है,
बाकी आप एंड्रॉइड के बारे में जानते ही हैं कि इसके अंदर प्ले स्टोर वगैरह होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। और जो सबसे खास चीज़ इस गाड़ी में लगाई है हमने ट्रैकिंग के बाद, वो है इसका स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम। XUV 300 के बेस मॉडल के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम नहीं लग के आता, इसमें हमने लगा दिया है और बिल्कुल वर्किंग है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की, बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है और अच्छी चीज़ है। आप अपनी XUV 300 के अंदर लगा सकते हैं, मोस्ट यूटिलाइज थिंग है। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं ऑन हो सकता, नहीं तो हम वो भी कर देते हैं। स्पीकर्स मैंने आपको दिखा दिए पावर बास केस के अंदर, डैम्पिंग मैंने आपको दिखा चुका हूँ, अभी आपको साउंड आउटपुट सुनाता हूँ। आपने क्लैरिटी सुन ली है, कितनी अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया वाली आ रही है। और मैं आपको कह सकता हूँ फुल वॉल्यूम में भी आवाज़ नहीं डिस्टॉर्ट होगी और आप जैसे ही आउटपुट चाहते हैं वैसे मिल जाएगी। इनमें आप एम्पलीफायर भी ऐड कर सकते हैं, वूफर भी ऐड कर सकते हैं और अच्छी आवाज़ हो जाएगी, बाकी आपकी नेसेसिटी के ऊपर है सब कुछ। इसमें हमने हाइड्रोसोनिक का हॉर्न भी लगाया जो 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसकी जो आवाज़ है वो क्रेटा के सिमिलर है, तो काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं हमें क्रेटा वाला हॉर्न चाहिए, तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं। और सबसे खास बात है इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, कंप्लेंट नहीं है, और ये अच्छा वाटर रेजिस्टेंट हॉर्न है, इसमें कंप्लेंट इसलिए कम आती है। इसमें जो हमने कैमरा लगाया है वो हमने इंटरफायर का लगाया है बम्पर के अंदर, जो है मूविंग लाइन कैमरा और वाइड एंगल। आप देख सकते हैं पीछे आपको पूरा शेड नज़र आ रहा होगा लेफ्ट टू राइट, तो वो पूरी बिल्डिंग है, तो इससे आप जज कर सकते हैं इसका कितना वाइड एंगल है। और सेटिंग मिल जाती है आपको इसमें ब्राइटनेस की, कम ज़्यादा करने की। और जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, स्टीयरिंग को मोड़ेंगे मूविंग के अंदर, तो इसकी लाइन्स मूव करती हैं, आपको बताती है गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये भी मैं आपको कैमरा हाईली रिकमेंड करता हूँ। इसमें हमने सीट कवर भी लगाया ब्लैक कलर का, भी ड्रेस थ्रेडिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, नीट एंड क्लीन है, क्वालिटी ऑफ सीट कवर अच्छी है, काफ़ी रिजनेबल रेट पर भी है। इसकी सेंट लॉकिंग जो हमने लगाई है RD कंपनी की, 3 ईयर वारंटी में आती है, ऑन साइट वारंटी है, कोई भी दिक्कत हो कॉल करेंगे, घर पे आएंगे, आपको अच्छी सर्विस देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली XUV 300 में हमने फ्रंट एंड रियर डिफ्यूज़र पे लगाया वेलकम कंपनी का, आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी, गाड़ी की लुक को काफ़ी एनहांस कर देता है। ऐसे बैक साइड पे भी लगाया,